नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। इस वक्त की बड़ी खबर जमुई से सामने आ रही है, जहां पर एसआई प्रभात रंजन हत्या मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। और आपको बता दें कि बड़ा अपडेट सामने आया है। इसका जो मुख्य आरोपी है कृष्णा रविदास, उन्होंने जमुई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। जी, आपको मालूम है कि किस तरीके से पुलिस की टीम जो है वो गश्ती कर रही थी, और तभी बालू लदे ट्रक को रोकने के लिए एसआई वहां पर पहुंचे थे, और तभी जो ट्रैक्टर के जो ड्राइवर थे उन्होंने इनके ऊपर ट्रैक्टर चला दिया था, जिसके बाद इनकी मौत हो गई थी। उसके बाद काफी ज्यादा सियासत भी हुई है, लेकिन इसको लेकर बड़ा अपडेट यही सामने आया है कि इसका जो मुख्य आरोपी है कृष्णा रविदास, उन्होंने जमुई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। तो देखिए, अब देखने वाली बात यह भी होगी कि उनकी मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ सकती है। वहीं आपको मालूम है कि एसआई प्रभात रंजन हत्याकांड के बाद कितनी ज्यादा सियासत हुई थी, और बिहार में इसकी सियासत काफी ज्यादा गर्म हो गई थी, क्योंकि जो विपक्ष के लोग हैं वो सत्ता पक्ष के लोगों को खरी खोटी सुना रहे थे और कह रहे थे कि किस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर चल रहा है, और ऐसे बालू माफियाओं का आतंक लगातार बढ़ते ही जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से एसआई प्रभात रंजन की हत्या हुई है, कहीं ना कहीं जो बालू माफिया है उनकी ही इसमें संलिप्तता पाई गई है, क्योंकि ये सभी पुलिस जो है वहां पर गश्ती करने के लिए पहुंचे थे और बालू लदे ट्रैक्टर को ट्रक को रोकने के लिए वहां पर पहुंचे थे, और तभी जो चालक है उन्होंने अपने ट्रैक्टर की स्पीड को कम नहीं किया, वो उस स्पीड को और ज्यादा तेज बढ़ाते चले गए और इन्हें कुचल कर वहां से निकल भागे। तो इसी में बड़ा अपडेट सामने आया है कि जो एसआई प्रभात रंजन है उनकी जो हत्या हुई थी, जिस तरीके से उनके ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाया गया था, काफी दिनों तक सियासत तेज थी, लेकिन इस पर बड़ा अपडेट यही सामने आया है कि इसका जो मुख्य आरोपी है उसने सरेंडर कर दिया है। आपको बता दें तो गहरी थाना के एसआई थे ये, और जमुई कोर्ट में सरेंडर किया गया है, और किस तरीके से तमाम चीज़ों के बारे में क्या कुछ निकल कर सामने आता है वो भी हम आपके पास अपडेट ज़रूर रखेंगे। लेकिन फिलहाल ये बड़ा मामला है, क्योंकि 14 नवंबर को ट्रैक्टर से कुचलकर इन एसआई प्रभात रंजन की हत्या हुई थी, और कहीं ना कहीं महागठबंधन की सरकार पर भी निशाना साधा जा रहा था, क्योंकि इनके ही बल पर यहाँ पे जो बालू माफिया उन्हें शह मिलती रहती और अपनी मनमानी करते रहते हैं। क्योंकि जब कभी भी ऐसा देखने को मिलता है जब पुलिस बालू माफिया पर शिकंजा कसने के लिए जाती है या फिर उन्हें रोकने के लिए जाती है, तो उल्टा जो पुलिस वाले होते हैं उनके ऊपर ही हमला हो जाता है। ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं है जैसे पुलिस को अपने निशाने पर लिया है बालू माफिया ने, बल्कि पहले भी कई दफ़ा ऐसी तस्वीरें सामने आई है जब बालू माफिया को रोकने के लिए पहुंचते पुलिस, उन्हें वहां से अगर निकलने के लिए रोका जाता है, अवैध बालों की कारोबारी करने के लिए अगर रोका जाता है, तो वो सीधा सीधा पुलिस पर ही हमला कर देते। तो देखिए, इसमें जो जमुई से खबर सामने आ रही थी कि एसआई जो प्रभात रंजन है बेरहमी से उन्हें ट्रैक्टर से कुचलकर वहां से वो भाग गए थे, उनकी हत्या कर दी गई थी, इसी में बड़ा अपडेट सामने आया है कि इसके जो मुख्य आरोपी है कृष्णा रविदास, उन्होंने जमुई कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।